वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम को लाइक करते हैं तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इंडियन क्रिकेट टीम में किस खिलाड़ी को पसंद करते हैं। तोड़डाला फोड़डाला, जिस खिलाड़ी की टीम धोनी की टीम ने नहीं समझी कीमत, उसी ने 4 शतक के बाद जमाया दोहरा शतक। तोड़ा रोहित शर्मा का 264 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 6 पारियों में ठोंके 799 रन। इस बात में कोई शक नहीं कि भारत ने वर्ल्ड क्रिकेट को ऐसा तमाम क्रिकेटर दिए हैं जिन्होंने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से खेल की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। उन्हीं में से एक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी हैं। अब भले ही उनका बल्ला काफ़ी दिनों से शांत है, लेकिन इन्होंने भी दुनिया के हर क्रिकेट ग्राउंड को अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया है। रोहित शर्मा ने अपने अभी तक के क्रिकेट कैरियर में कई आतिशी पारियां खेली जो कि आज भी चर्चा का विषय बनी रहती है। रोहित की इन्हीं पारियों में से एक श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 264 रनों की पारी भी है जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को 20 नवंबर 2022 तक दुनिया का कोई बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया था। लेकिन आपको बता दें कि अब रोहित शर्मा का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया है। जी हाँ, बता दें कि रोहित शर्मा के इस रिकॉर्ड को जिस खिलाड़ी ने तोड़ा है वो भी एक भारतीय ही है और उस खिलाड़ी का नाम नारायण जगदीशन। दरअसल इन दिनों भारतीय घरेलू क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन चल रहा है। इसके तहत आज यानी 21 नवंबर को तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश के बीच में भीषण मुकाबला खेला गया है। इस मैच में नारायण जगदीशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी तूफानी दोहरा शतक जमाया और रोहित शर्मा के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। नारायण जगदीशन ने इस मैच में मात्र 141 गेंदों में 277 रन की शानदार पारी खेली। इसमें नारायण ने 25 चौके और 15 छक्के जमाए। आपको बता दें कि एन जगदीशन ने इसी के साथ इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर अली ब्राउन को भी पछाड़ा है। अली ब्राउन ने साल 2002 में 268 रनों की पारी खेली थी। वहीं बात करें रोहित शर्मा की पारी की तो इन्होंने 13 नवंबर 2004 को श्रीलंका के खिलाफ 33 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 264 रनों की पारी खेली थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों नारायण जगदीशन जम दहाड़ रहे हैं। इस सीजन में नारायण जगदीशन ने अभी तक 6 मैच में लगातार 4 शतक जमा चुके हैं और अब तक दोहरा शतक जमाया है। इस दौरान उनका औसत 159.80 रहा है। इस तरह नारायण जगदीशन अभी तक इस सीजन में 799 रन अपने नाम कर चुके हैं। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।